एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। बच्चों, हमारी 12th केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी जिसमें हम 5th यूनिट पर पहुंच गए थे। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने 5th यूनिट को स्टार्ट कर दिया था, उसका बेसिक समझ लिया था और इसमें हमने अधिशोषण समझा था, अपशोषण समझा था एवं इसमें जो डिफरेंस होता है ये हमने समझा था। तो इस सब को हम पढ़कर आए हैं। तो आज की वीडियो में हम अधिशोषण के प्रकार पढ़ेंगे कि ये अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं। और ये अधिशोषण के प्रकार दोस्तों हम अधिशोषक और अधिशोष के मध्य बंध के आधार पर पढ़ेंगे। क्या? अधिशोषक एवं अधिशोष के मध्य बंध के आधार पर अधिशोषण के प्रकारों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो इस आधार पर जो अधिशोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, और जो दूसरा है वह होता है रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, और इसको बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसको हम केमिकल एडजॉर्प्शन, इसको हम फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं उनको समझो। तो पहले मैं आपको फिजिकल को समझा रहा हूं, इसके बाद रासायनिक को। ठीक है, तो हमने दोस्तों अधिशोषण को तो देखा था, अधिशोषण को हमने समझा था। एक मिनट, उसको मैं समझा रहा हूं, आप समझो। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं ये कोई एक पात्र है। ठीक है, इस पात्र में मैंने एक ठोस का टुकड़ा डाल दिया ये। ठीक है, इस पात्र में क्या है, एक पदार्थ भरा हुआ है, कलर वाला पदार्थ। ठीक है, अब ये कोई भी रंगीन पदार्थ होगा इसमें। ठीक है, तो क्या होता था अधिशोषण में कि जो एक पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ के ऊपर या फिर उसकी सतह पर आकर चिपक जाता था इस प्रकार से। ठीक है, तो जो इस प्रकार की जो घटना होती थी उस घटना को हम क्या बोलते थे, अधिशोषण। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हमने क्या बताई थी आपको, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के ऊपर चिपकना अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, तो यहां से इसमें इस पदार्थ में डाला तो ये पदार्थ इस ठोस की जो ये ठोस है, इस ठोस की जो सतह है उस ठोस की सतह पर जाकर चिपक गया, तो ये घटना क्या कहलाएगी, अधिशोषण। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि मतलब जिस सतह पर चिपकता है कोई पदार्थ, जिस सतह पर चिपकता है उसे हम क्या बोलते हैं, अधिशोषक। क्या बोलते हैं, अधिशोषक। ठीक है, और जो पदार्थ चिपकता है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अधिशोष, अधिशोष, अधिशोष। ये हमने देखा था। ठीक है, तो जिस सतह पर चिपकता है उसे अधिशोषक, और जो पदार्थ चिपकता है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अधिशोष। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था अधिशोषण में, है ना। तो अब हमें भौतिक और रासायनिक अधिशोषण पढ़ना है। ठीक है, तो अब भौतिक और रासायनिक अधिशोषण को समझो। ठीक है, तो जो भौतिक अधिशोषण होता है दोस्तों, ये एक ऐसा अधिशोषण होता है जिसमें जो अधिशोषक होता है उस अधिशोषक और जो अधिशोष होता है उस अधिशोष, अधिशोष कि जो मध्य है, जो बंध होता है वो इनके जो मध्य जो बंध होता है वो मध्य वो बंध बहुत दुर्बल होता है। क्या होता है, वो बंध है बहुत दुर्बल होता है, बहुत कमजोर होता है, और इस कमजोर बंध को हम बोलते हैं वांडर वाल्स बंध, वांडर वाल्स बंध बोलते हैं। इस कमजोर बंध को, इस दुर्बल बंध को हम क्या बोलते हैं, वांडर वाल्स बंध। ठीक है, इसीलिए इस अधिशोषण का नाम पड़ा वांडर वाल्स अधिशोषण या भौतिक अधिशोषण। क्या, वांडर वाल्स अधिशोषण या भौतिक अधिशोषण। ठीक है, तो ये हुआ। और इसकी विशेषता दोस्तों एक ये है कि ये जो बंध ये अधिशोषण होता है, ये अधिशोषण अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। इसका मतलब ये है कि मतलब ये अधिशोषण होता है और हम इसकी साम्य अवस्था साधारण से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो ये पदार्थ था, ये कोई ठोस है, इसको मैंने डुबाया तो इस पर अधिशोषण हो गया,
लेकिन इस पदार्थ को मैं जैसे ही बाहर निकालूंगा तो ये जो सारे कण आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे कण इसी में रह जाएंगे। ठीक है, तो अब ये सारे कण इसी में रह जाएंगे तो जो अधिशोषण हुआ था वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच गया। पहले ये ठोस कुछ इस प्रकार से होगा ना इस प्रकार से, तो जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था इसी अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसको डाले रहेंगे तब तक तो अधिशोषण उस पे होगा, जैसे हम बाहर निकाल लेंगे तो अधिशोषण खत्म हो जाएगा। मतलब ये अधिशोषण अस्थाई होता है। कैसा होता है? अस्थाई। ठीक है, और जैसे ही हम फिर डाल देंगे तो फिर से अधिशोषण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अधिशोषण मतलब जिसमें मतलब डाल दें तो फिर से हो जाए, निकाल लें तो खत्म हो जाए, डाल दें तो फिर से हो जाए, निकाल दें तो खत्म हो जाए। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रिया। कौन सी? उत्क्रमणीय प्रक्रिया। ठीक है, या फिर उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? भौतिक अधिशोषण। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो यदि हम चौक को किसी रंगीन बिलियन में डाल दें तो चौक रंगीन हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, उसको हम ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, कुछ छील देते हैं तो उसका जो कलर है पूरा निकल जाता है और फिर से चौक व्हाइट हो जाता है ना। तो इस प्रकार से ये अस्थाई हो रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार अगर हम किसी पर पॉलिश कर दें, किसी पर क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो पॉलिश कर देंगे तो वो कलर रंगीन हो जाएगा, लेकिन हम उस पॉलिश किया है उस पॉलिश को वापस से हटा दें तो वो पदार्थ सेम बच जाएगा ना। तो जैसे मान के चलो ये जो मार्कर आपको दिख रहा है, इस मार्कर पे पहले ये जो आपको व्हाइट दिख रहे हैं ये पहले क्लियर दिखते थे। ठीक है, लेकिन मैं इसी मार्कर पे यदि इस टाइप से उंगली करूं, ठीक है, इसको मैं छील दूं तो क्या होगा? देखो, अब यहां से मैंने छील दिया तो यहां से ये कलर चला गया है ना, अधिशोषण इसका खत्म हो गया। लेकिन मैं इस पे फिर से अधिशोषण कर सकता हूँ ना, फिर से इसको प्रिंट कर सकता हूँ ना, तो ये मतलब इसको हटा सकता हूँ और फिर से कर सकता हूँ। तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। ठीक है, और ये अस्थाई होता है क्योंकि इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जब चौक को स्याही में डुबाया जाता है तो चौक रंगीन हो जाता है। ठीक है, ये भौतिक अधिशोषण का एग्जाम्पल हुआ। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे भूसा को जल में डाल देते हैं तो जो भूसा है उसकी सतह पर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसको हम छान के अलग भी तो कर सकते हैं। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ? भौतिक अधिशोषण का। ठीक है, इसके बाद हम रासायनिक अधिशोषण पर पहुंचते हैं और रासायनिक अधिशोषण को हम देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझो। अब देखो, रासायनिक है तो ये जो अधिशोषण है एक ऐसा अधिशोषण होता है जिसमें अधिशोषक क्या, अधिशोषक एवं अधिशोष, अधिशोषक एवं अधिशोष के मध्य जो बंध होता है वो प्रबल बंध होता है। ठीक है, कौन सा बंध होता है? वो प्रबल बंध होता है। तो इसलिए अब ये प्रबल बंध होता है इस, और जो प्रबल बंध होता है वो रासायनिक बंध होता है। कौन सा? रासायनिक। ठीक है, प्रबल बंध कौन सा होता है? रासायनिक बंध होता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। क्या बोलते हैं? रासायनिक अधिशोषण। इस अधिशोषण का एक नाम और है जिस जो है हमारा लैंगमुर अधिशोषण। क्या? लैंगमुर अधिशोषण। क्या? लैंगमुर अधिशोषण। ठीक है, इस अधिशोषण का एक नाम और क्या है? लैंगमुर अधिशोषण। ठीक है, अब आगे समझो, ये जो अधिशोषण होता है ये स्थायी प्रकृति का होता है। ठीक है, मतलब ये अधिशोषण एक बार हो जाए तो उसको फिर से हटा नहीं सकते, फिर से उसको अपन हटा नहीं सकते, और यदि किसी कारण उसको हटा भी दिया तो फिर से उस पर वो अधिशोषण नहीं होगा। मतलब ये एक बार होगा फिर नहीं होगा, है ना। तो जो प्रक्रिया एक बार हो, बार बार ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, तो मतलब ये जो अधिशोषण होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है? अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल जनरली दोस्तों गैसों में होता है।
ठीक है, क्या होता है, कोई गैसें किसी धातु की सतह पर एक बार प्रवेश कर जाती हैं तो वो गैसें फिर वहां पर घर बना लेती हैं, वो फिर हटती नहीं उधर से, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस यदि निकिल पर है ना, या फिर प्लेटिनम पर, ठीक है, अवशोषित हो जाती है तो ये हमेशा इन धातुओं पर अवशोषित होकर रह जाती है, फिर इस हाइड्रोजन को हम हटा नहीं सकते। और यदि किसी कारण से हमने इस हाइड्रोजन को इन धातुओं से हटा दिया, इन धातुओं से हटा दिया, तो क्या होगा, फिर ये हाइड्रोजन इस पर आएगी नहीं, इस पर फिर इसका अधिशोषण नहीं होगा इन हाइड्रोजन का, ठीक है। तो आप क्या लिख लोगे, पहला एग्जांपल क्या लिखोगे, हाइड्रोजन का निकिल व प्लेटिनम में अधिशोषण, ये किसका एग्जांपल है, रासायनिक अधिशोषण का, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे मान के चलते हैं ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का यदि टंगस्टन, टंगस्टन का संकेत क्या होता है, W होता है ना, ये क्या है, टंगस्टन, ठीक है, तो ये टंगस्टन, तो यदि ऑक्सीजन का टंगस्टन पर अधिशोषण हो जाए तो ये अधिशोषण स्थायी हो जाता है, फिर ये अधिशोषण हटता नहीं है, ठीक है। और यदि किसी कारण बस ये अधिशोषण हट भी जाता है तो फिर ये ऑक्सीजन का टंगस्टन पर अधिशोषण नहीं होता, तो ये हमारा हुआ रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद यदि हमारा क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताइए, क्या भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताइए, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या लिखोगे। तो पहले एक मिनट, हाँ पहले तो आप ये बता दो कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की आप डेफिनेशन लिख लोगे या नहीं, ठीक है। तो कैसे लिखोगे मैं उसको पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो आप हेडिंग क्या डालोगे, भौतिक अधिशोषण, ठीक है, आपने हेडिंग डाल दी। फिर आप क्या लिखोगे, उसकी परिभाषा लिखोगे, क्या लिखोगे, ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोषक एवं अधिशोष के मध्य दुर्बल बंध होता है, इस दुर्बल बंध को वांडरवाल्स बंध बोलते हैं, इसलिए इस अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं या वांडरवाल्स अधिशोषण कहते हैं। ये अधिशोषण अस्थायी प्रकृति का होता है, इसलिए इस प्रक्रम में या फिर इस अधिशोषण में उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद इसका एग्जाम्पल लिख लोगे, जब चौक को स्याही में डुबाया जाता है तो चौक रंगीन हो जाता है, ठीक है, ऐसे आप एक आध दो एग्जाम्पल इसके लिख सकते हो, भूसा वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, या फिर पॉलिश वाला लिख सकते हो, जब किसी वस्तु पर पॉलिश होता है तो पॉलिश किया जाता है, तो ये भी भौतिक अधिशोषण का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो आप इसकी परिभाषा क्या लिख लोगे, ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोषक एवं अधिशोष के मध्य प्रबल रासायनिक बंध होता है, इसलिए इसे रासायनिक अधिशोषण या लैंगमूर अधिशोषण कहते हैं। यह स्थायी प्रकृति का होता है और इसमें जो होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय होती हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या लिख लोगे, हाइड्रोजन का निकिल व प्लेटिनम में अधिशोषण, दूसरा एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, ऑक्सीजन का टंगस्टन में अधिशोषण, ठीक है। तो ये हमारा अधिशोषण हुआ। अब आपको डिफरेंस आपको बताना है, इसका डिफरेंस आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमने कर लिया, ठीक है, एक मिनट में आपको बता दे रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें अधिशोषण एवं अधिशोष के मध्य प्रबल वांडरवाल्स बंध, सॉरी दुर्बल वांडरवाल्स बंध होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, इसमें अधिशोषक एवं अधिशोष के मध्य प्रबल रासायनिक बंध होता है, ये अस्थायी प्रकृति का होता है, ये स्थायी प्रकृति का होता है, इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद इसमें आप एग्जांपल इसका लिख दोगे, इसमें इसका एग्जांपल लिख दोगे, ठीक है। एक पॉइंट और बताना दोस्तों, भूल गया मैं, वो पॉइंट ये है कि ये जो भौतिक अधिशोषण होता है दोस्तों, ये अधिशोषण ताप बढ़ाने पर घटता है, क्या ताप बढ़ाने पर घटता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझो, क्योंकि देखो मैं ये मतलब इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है और ये पदार्थ इस पे आके इसकी सतह पर आके चिपक गया है ना, तो यदि मैं इस पात्र का ताप बढ़ाऊं, यदि इस पात्र का मैं ताप बढ़ा दूं, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो उपस्थित अणु है
वो गति अवस्था में आ जाएंगे। जब ये गति अवस्था में आ जाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि जो अधिशोषण हुआ है, ये अधिशोषण के अणु फिर चिपकेंगे नहीं, फिर वो गति अवस्था में आ जाएंगे। फिर वो कौन सी अवस्था में आ जाएंगे? गति अवस्था में आ जाएंगे। तो वो फिर गति करते रहेंगे और अधिशोषण फिर ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक जगह वो इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, एक जगह वो एकत्रित नहीं हो पाएंगे फिर, ठीक है, क्योंकि वो गति करेंगे। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर ये अधिशोषण क्या होता है? घटता है। कौन सा? भौतिक अधिशोषण। ठीक है, इसलिए जो अधिशोषण होता है ना, ये वाला अधिशोषण केवल निम्न ताप पर ही संपन्न होता है। कौन से ताप पर? निम्न ताप पर संपन्न होता है। ठीक है, और ये जो अधिशोषण है वो उच्च ताप पर संपन्न होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब ये धातुओं में गैसों का जो संचरण है वो कम ताप पर नहीं हो पाता। ठीक है, और जब अधिक ताप रहेगा तो ये जो गैसें हैं ना, इसमें अच्छे से मतलब अणु बाय अणु, मतलब एक अणु फिर दो अणु, अच्छे से ठीक तरीके से इसमें मतलब समाहित हो जाएंगी। तो इस ये वाला जो अधिशोषण है वो उच्च ताप पर होता है। किस पर? उच्च ताप पर होता है। तो इसका आप एक पॉइंट ये भी बना सकते हो, ये अधिशोषण निम्न ताप पर होता है और ये अधिशोषण उच्च ताप पर होता है। ठीक है, तो ये हमने समझा भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, और ये भौतिक अधिशोषण ये में डिफरेंस समझा। तो आई होप कि आपको ये पूरा सब समझ में आया होगा और आप कॉपी में आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो इसके बाद हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।